हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और प्रो ट्रेडिंग एकेडमी की मनी ग्रो एजुकेशनल वीडियो सीरीज में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मनी ग्रो एजुकेशनल वीडियो सीरीज जो है ये पोजिशनल स्टॉक सिलेक्शन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं वो है वीआईपी इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक एनालिसिस के लिए मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आए थे, तो आज हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि अगर पोजिशनली इसमें ट्रेड करना है तो हम लोग कैसे इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए और देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस एनालिसिस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न का कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज के चार्ट में, और यहाँ पे मैंने डेली चार्ट लिया है। लेकिन चार्ट एनालिसिस से पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा जो चीज इम्पोर्टेंट होता है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। हम लोगों को देखना पड़ता है कि ये स्टॉक जो है फंडामेंटली स्ट्रांग है या वीक है। तो पहले हम लोग वीआईपी इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि वीआईपी इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है या वीक है। तो दोस्तों, अभी हम लोग जाएंगे वीआईपी इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल पेज में, मतलब screenart.in पे। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं screenart.in पे, और यहाँ पे वीआईपी इंडस्ट्रीज का जो है पेज हम लोगों के सामने खुला हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो मैं पहले देखता हूँ वो है बुक वैल्यू। आप यहाँ पे देखेंगे तो बुक वैल्यू 43 रुपीज के आसपास है, और जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 252 रुपीज के आसपास चल रहा है। मतलब सीधा सीधा अगर आप हिसाब करेंगे तो 5x पे ट्रेड हो रहा है, मतलब 5x प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों, 5x प्रीमियम जो होता है ये इन्वेस्टेबल होता है, ये उतना भी खराब नहीं है। मतलब ये स्टॉक का जो बुक वैल्यू टू करंट प्राइस का रेशियो है वो इन्वेस्टेबल जोन पे ही है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं जो देखता हूँ वो है आरओसी, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो लगभग 37% है। ये बहुत ही अच्छा चीज है, मतलब 37% अगर मैं बोलूंगा तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखूंगा वो भी 25 के ऊपर है, 27 है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। सेल्स ग्रोथ आप देखोगे तो लास्ट 3 साल से ये 14% के ऊपर ये ग्रोथ दिखा रहा है हर एक साल, तो दोस्तों ये भी एक पॉजिटिव चीज है। तो फ्रेंड्स, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन में हम लोगों को जो दिख रहा है इसमें सब कुछ पॉजिटिव है इस कंपनी का। सिर्फ एक चीज जो है यहाँ पे आप देखिए, स्टॉक पी जो 22 के आसपास है, जो थोड़ा सा हायर साइड पे है, क्योंकि कोई भी स्टॉक में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि उसका पी वैल्यू जो है वो 15 के नीचे आ जाए। लेकिन दोस्तों, ये 22 में है। लेकिन दोस्तों, इसमें और एक चीज है कि वीआईपी इंडस्ट्रीज जो स्टॉक है, मतलब ये जो कंपनी है, ये एक यूनिक सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जहां पे ज्यादा कॉम्पिटिशन है नहीं। क्योंकि वीआईपी इंडस्ट्रीज क्या करता है, लगेज बैग्स बनाता है, तो लगेज बैग्स बनाने के लिए बहुत ही कम कंपनी है। इसीलिए दोस्तों, इसका स्टॉक पी जो है, इसके बारे में कोई डिसीजन लेने से पहले हम लोग इसका पीआर कंपैरिजन में देखेंगे कि इसका जो पीआर कंपनी है वो सबका जो पी वैल्यू है वो कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, चलिए पीआर कंपैरिजन में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं पीआर कंपैरिजन में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो ही कंपनी दिख रहा है जो इस टाइप का काम करता है। अगर आप इसका जो पीआर कंपनी है उसका पी वैल्यू देखेंगे जो है 34 के आसपास, और वीआईपी इंडस्ट्रीज का जो है 22 के आसपास है। मतलब दोस्तों, ये जो है अपना पीआर कंपनी से पी में नीचे है, जो एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, ये पॉजिटिव है क्योंकि इसका ऊपर में जो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिखाया वो सब पॉजिटिव में है, और पी वैल्यू जो है वो अपना कॉम्पिटिटर से नीचे है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट जोन पे खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, और वहां पे देखने का कोशिश करेंगे कि वीआईपी इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है वो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों को क्या बताता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अगर आप इसका सेल्स देखेंगे तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए, सेल्स का जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है।
तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन ये भी आप देखो कि इसका जो एक्सपेंस इंक्रीमेंट हो रहा है ना वो सेल्स के इंक्रीमेंट से बहुत कम है, तो ये भी एक पॉजिटिव है इसके लिए। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट पे है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, ये भी ईयर ऑन ईयर पे इंक्रीमेंट पे है। हाँ, इस साल थोड़ा कम हुआ है क्योंकि आपको पता है कि ये जो मतलब एक कोरोना वायरस का प्रॉब्लम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ये लेके लास्ट जो क्वार्टर है उसमें इसका सेल्स जो है बहुत घट गया है, क्योंकि लोग जो है बाहर जाना बंद कर दिया है, क्योंकि जो लोग बाहर घूमने जाने के प्लान कर रहे थे वो भी अभी घूमने नहीं जा रहे हैं, तो वो सब लोग जो बैग्स वगैरह खरीदते थे या कुछ करते थे वो सब अभी जो है स्टॉप हो गया है, तो इसलिए इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन उतना भी ज्यादा कम हुआ नहीं है। इसका अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट में ही था, इस साल थोड़ा घट गया है क्योंकि इसका लास्ट जो दो क्वार्टर गया है वो अच्छा नहीं गया है। लेकिन दोस्तों ट्रैवल इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो जैसे ही ये पैंडेमिक खत्म होगा, मतलब आज से हो सकता है कि 6 महीने बाद खत्म हो, लेकिन ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो फिर से ग्रो करने लगेगा। तो इसमें जो माइनर सा एक डिक्लाइनमेंट आया है ये टेम्पोररी बेसिस पे डिक्लाइनमेंट है और इसमें उतना घबराना नहीं। तो दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे इसका बैलेंस शीट की तरफ और देखेंगे कि कंपनी का जो बैकबोन है वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज के बैलेंस शीट में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है रिजर्व वो इंक्रीमेंट हुआ है, ये एक बहुत ही अच्छा चीज है। और इस साल देखिए, इस साल इसका सेल्स घटा है, प्रॉफिट घटा है, लेकिन फिर भी रिजर्व जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है, इसलिए इसको मैं डबल पॉजिटिव दूंगा। अगर इसका बोरोइंग्स देखेंगे तो बोरोइंग्स इस साल जो है नील है, मतलब इसका कोई भी बोरोइंग्स नहीं है, ये तो मतलब एक बहुत ही अच्छा साइन होता है, मतलब इसको तो मैं बोलूंगा कि ये हाईली पॉजिटिव है, क्योंकि कोई कंपनी अगर खुद के पैसे से बिजनेस चला रहा है, उसका कोई लोन वगैरह नहीं है, इसका मतलब उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो पूरा कंपनी एब्जॉर्ब कर पाएगा, उसके लिए उसको किसी को भी, कोई बैंक को, किसी को भी कोई इंटरेस्ट पे करने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है जीरो बोरोइंग्स, ये कोई भी कंपनी के लिए बहुत अच्छा चीज होता है और ये एक ह्यूज प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए। और दोस्तों इसके बाद में अगर देखूंगा तो फिक्स्ड एसेट देखिए, ये इंक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन इस साल देखिए क्या हुआ, 3 times इंक्रीमेंट हो गया आपका जो फिक्स्ड एसेट है उसमें, मतलब ये फिक्स्ड एसेट, बहुत सारा फिक्स्ड एसेट जो है इसने खरीदा है, चाहे वो मशीनरीज हो चाहे वो दूसरा चीज हो, इसने वो खरीदा है। और फिक्स्ड एसेट कोई भी कंपनी के लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट होता है, तो इसके लिए भी मैं इसको जो है एक आप एरो दूंगा, एक क्या मैं बोलूंगा कि इसको मैं 2 आप एरो दूंगा। तो दोस्तों ये सबसे हम लोगों को जो पता चलता है कि वीआईपी इंडस्ट्रीज जो स्टॉक है इसका बैकबोन बहुत ही स्ट्रांग जगह पे खड़ा हुआ है। इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी पता चलता है कि इसका जो प्राइस है वो एक इन्वेस्टेबल जोन में आके खड़ा हुआ है। तो दोस्तों मेरा पर्सनल एनालिसिस के हिसाब से वीआईपी इंडस्ट्रीज जो स्टॉक है ये एक बहुत ही अच्छा जगह पे खड़ा हुआ है, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे वीआईपी इंडस्ट्रीज के चार्ट में, मतलब टेक्निकल चार्ट में, और वहां पे आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे कि अगर इसमें हम लोगों को पोजीशन बनाना है तो हम लोग यहाँ पे कहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, कहाँ पे हम लोगों का एवरेजिंग हो सकता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है और कहाँ कहाँ टारगेट हो सकता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग जाते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज का टेक्निकल चार्ट। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज के टेक्निकल चार्ट में और यहाँ पे मैंने डेली चार्ट लिया है। यहाँ पे मैं अगर सब लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब लेवल्स को ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपको ये ऐसा दिख सकता है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप अगर यहाँ पे देखेंगे, ये देख के आपको शायद उतना अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। आप अगर अच्छे से यहाँ पे देखेंगे तो ये एक डब्लू पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है, जो एक बुलिश पैटर्न होता है। तो दोस्तों इसीलिए हम लोगों का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, मतलब ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करके ऊपर अगर जाके क्लोज हो जाता है तो हम लोग इसमें जो है 263 जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर हम लोग बाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिए, 263 के ऊपर इसका जो प्राइस है वो क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 263 टच करने से ही आप इसको बाई कर लोगे। तो फ्रेंड्स 263 जो लेवल है ये हम लोग का बाई लेवल है, मतलब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है बाई अबव, तो 263 के ऊपर हम लोग इसको बाई कर सकते हैं।
और मेरे हिसाब से जो है 263 के ऊपर थोड़ा जाने पे ये रिट्रेस कर सकता है और फिर टारगेट के लिए जा सकता है। लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा भी रिट्रेस करता है तो नीचे का जो सपोर्ट लेवल है 220 वहां पे हम लोग इसका एवरेजिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एवरेजिंग लेवल है, इसका मतलब आप जब यहाँ पे बाई करोगे 263 के ऊपर उस टाइम पे आप फुल क्वांटिटी बाई नहीं करोगे। जब प्राइस 263 के ऊपर जाएगा आपका जो फुल क्वांटिटी है उसका 40% या 50% ही आप वहां पे बाई करोगे। अगर उसके बाद प्राइस नीचे आ जाता है तो आप एवरेजिंग लेवल पे मतलब 220 पे अपना बाकी का जो पोजीशन है वो क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों उसी हिसाब से प्राइस अगर और भी नीचे आ जाता है तो इसका जो स्टॉप लॉस लेवल बनता है वो 170 के नीचे बनता है, मतलब 170 के नीचे बनता है। ये एक हिस्टोरिकल लेवल है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये लेवल कहां से निकला है। मैं अगर चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूं तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो है, आप अगर देखेंगे 2017 में यहाँ पे एक जगह पे आपका जो है वीआईपी इंडस्ट्रीज एक कंसोलिडेशन जोन बनाया था और फिर उसको ब्रेक करके ऊपर गया और अपना लाइफ टाइम हाई बनाया। तो ये जो कंसोलिडेशन जोन है इसका ऊपर का जो पार्ट है 220 ये हम लोग का एवरेजिंग लेवल है, और यही कंसोलिडेशन जोन जो है इसका जो नीचे का पार्ट है 170 वो हम लोगों का स्टॉप लॉस लेवल है। लेकिन दोस्तों हम लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो ये प्राइस टच होने से ही हम लोग का स्टॉप लॉस नहीं होगा। अगर कोई कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज करता है उसका भी लो ब्रेक हो जाता है तभी जाके हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से इसका जो है हम लोगों ने प्रीवियस जो मतलब हिस्टोरिकल चार्ट है उससे हम लोग स्टॉप लॉस और एवरेजिंग पॉइंट को निकाला है। तो दोस्तों इसको मैं फिर से बड़ा कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद अगर मैं देखता हूँ कि प्राइस अगर यहाँ पे ऊपर जाता है तो हम लोगों का जो पहला टारगेट आता है वो आता है 350 के आसपास, 350 के आसपास, और जो दूसरा टारगेट आता है वो आता है 410 के आसपास। ये लेवल भी दोस्तों हिस्टोरिकल लेवल है। मैं अगर चार्ट को छोटा करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो एक आपका यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था अभी इसका प्राइस नीचे आ गया है तो ये जोन जो है ये रेजिस्टेंस जोन हो गया है जो है 350 के आसपास। और आप देखेंगे तो ये भी एक सपोर्ट लेवल था जहां पे बहुत बार सपोर्ट लिया है तो ये जोन भी अभी जो है एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा जो है 410 के आसपास। तो ये दोनों लेवल जो है हम लोगों का टारगेट वन और टारगेट टू बनेगा। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो भी जाना है उसका एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो YouTube में इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और आपका सोशल मीडिया टाइमलाइन मतलब Facebook, Twitter ये सब जगह पे शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाए और इस वीडियो से कुछ सीख पाए। और दोस्तों मैं यहाँ पे जो भी एनालिसिस दिखाता हूँ वो मेरा पर्सनल एनालिसिस होता है और मैं एडुकेशनल पर्पस ही इसको यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो मेरा एनालिसिस के ऊपर बेस करके कभी भी आंख बंद करके ट्रेड ना करें। मैं जो भी एनालिसिस यहाँ पे दिखाता हूँ उसके ऊपर आप खुद का भी एनालिसिस करें और उसके बाद आपका रिस्क कैपिटल देख के ही आप ट्रेड करें, नहीं तो आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है आप उसके साथ एक बार कंसल्ट करें और उसके बाद ही शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाएं। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसका रिकैप कर लेते हैं एक बार और देख लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा। तो दोस्तों वीआईपी इंडस्ट्रीज का जो है फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। इसका लास्ट टू क्वार्टर्स जो है थोड़ा सेल्स डाउन गया है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि सब जगह पे ट्रैवल बैन है, सब कुछ है, तो लोग जो है तो लगेज बैग खरीदना कम कर दिया है तो इसका जो सेल्स है वो थोड़ा डाउन हो गया है। लेकिन ये जो ट्रैवल सेक्टर है मतलब जो टूरिज्म का सेक्टर है ये तो कुछ दिन बाद फिर से चालू हो जाएगा तो इसका सेल्स जो है वो ग्रो कर जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इसका जो कॉम्पिटिटर्स है बहुत ही कम है तो वीआईपी इंडस्ट्रीज जो है इसका सेल्स ना बढ़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो दोस्तों फंडामेंटली वीआईपी इंडस्ट्रीज जो है एक स्ट्रॉन्ग जगह पे खड़ा हुआ है और इसका जो प्राइस है मतलब करंट मार्केट प्राइस है एक इन्वेस्टेबल जोन में आके खड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बोला कि आप बाई अबव कर सकते हो 263 के ऊपर, मतलब 263 के ऊपर आप लोगों का जो एवरेजिंग लेवल होगा वो 220 के आसपास होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा 170 मतलब 170 के नीचे। और दोस्तों ये तभी होगा जब प्राइस थोड़ा ऊपर जाके नीचे रिट्रेस करेगा तभी हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, और प्राइस अगर नीचे रिट्रेस नहीं करता है डायरेक्टली ऊपर जाता है तो हम लोग का जो टारगेट वन होगा वो होगा 350 के आसपास और टारगेट टू होगा 410 के आसपास।
तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप YouTube में जरूर लाइक करें और आपका सोशल मीडिया टाइमलाइन में शेयर करें। इसके साथ दोस्तों हम लोगों का जो YouTube चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एडुकेशनल वीडियो।